हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। और हेयर फॉल जो होता है, जब स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। बाल नीचे जब जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं, और खासकर जब हेयर फॉल हमारी खुद की गलती से होता है, तब तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। यानी अगर आपने अपने बालों की हालत खराब कर दी है बहुत सारे हीटिंग एजेंट्स यूज करके, या पार्लर में जाके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेके, केमिकल ट्रीटमेंट्स लेने के बाद, उसके बाद आप अपने बालों को पहले की कंडीशन में कैसे ला सकती हैं, वो मैं आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि अगर अपने बालों की आपने ऐसी की तैसी कर रखी है, तो फिर से आप उसको एक खूबसूरत बालों में कैसे कन्वर्ट कर सकती हैं, अपने बालों को पहले की तरह ब्यूटीफुल कैसे बना सकती हैं, इनफैक्ट पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे बना सकती हैं। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। आज की वीडियो को आप मिस ना करें। अगर आप पहले की तरह खूबसूरत बाल चाहती हैं, या फिर किसी के बाल आप देखते के सोच रहे हैं कि काश मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं हैं, तो उस तरह के बाल अगर आपको चाहिए, अपने सर पे आपको एक ब्यूटीफुल सा हेयर चाहिए जो लंबा भी हो, घना भी हो, शाइनी भी हो, सॉफ्ट भी हो, और आपके बाल बिल्कुल वैसे ही क्रिएट करना चाहती हैं, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि आपके बाल अगर डैमेज हो गए हैं, डल हैं, लाइफलेस हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, और आपको बालों को देखकर ऐसा लग रहा है कि डैमेज हो चुके हैं पूरी तरीके से, तो उसको आप ठीक कैसे कर सकती हैं, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा रेमेडी है जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई चीज़ फ़ायदा करे तो उसके साथ अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि वो और भी कितना फ़ायदा कर सकता है। तो एग्जैक्टली यही मैंने किया टोबैको ऑयल के साथ। जब मैंने देखा कि वो आप लोगों पे बहुत अच्छा उसका असर हो रहा है, उसके बहुत ही अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मेरे पास आए, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना दो तीन तरीके से और बना के देखा जाए ताकि इसका बेनिफिट और ज़्यादा मिले। तो ये मैंने फिर से एक ऑयल क्रिएट किया है। अभी विंटर सीजन है तो ये थोड़ा सा जमा हुआ है। ये क्या मैंने लिया है मैं बता दूँ, ये ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है। कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल भी आप ले सकते हैं, आपके पास जो भी बेस्ट अवेलेबल हो कोकोनट ऑयल वही आप इसके लिए यूज़ कीजिए। तो ये मैं धूप में रखूँगी तो अल्टीमेटली ये मेल्ट हो जाएगा। तो इसमें जो पहली चीज़ हम ऐड करेंगे, जो हीरो ऑफ द इंग्रेडिएंट होगा, वो मैं दिखा दूँ। तो ये देखिए ये क्या है, ये मैंने लिया है जो प्योर टोबैको लीव्स हैं वो हैं ये, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये मैं बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ ये कहाँ मिलेगा। ये आपको किसी भी पान शॉप पे मिल जाएगा, ये यहाँ तक ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो ये बहुत ही हेल्दी चीज़ नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं कि हर शॉप में मिल जाएगा, लेकिन हाँ पान के शॉप में ज़रूर मिलेगा। और कोशिश कीजिए कि ये प्योर टोबैको लीव्स ही लेने का, ये मिक्स ना हो किसी चीज़ के साथ। ये आप देख लीजिए इस तरह से दिखेगा, मैं एक बार फिर से दिखा दूँ। यहाँ तक कि आप जो सिगरेट होता है उसके अंदर का भी निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो इस तरह का अगर आप लेते हैं तो इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होगा। क्योंकि कुछ भी मिक्स नहीं है तो ये पहला इंग्रेडिएंट होगा। ये आपको 1 टेबलस्पून के आसपास लेना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रखना चाहते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये मैंने ऑयल 2 टेबलस्पून लिया है, और इसमें मैं ये 1 टेबलस्पून, ये क्वांटिटी आप देख लीजिए, ये मैं ऐड करने जा रही हूँ। इसमें दूसरे ऑयल्स को भी मिक्स करना है, लेकिन पहले मैं दिखा दूँ कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। ये थोड़ा सा मेथी के दाने हैं, थोड़े से हैं बस, 1/2 टीस्पून। थोड़े से कलौंजी हैं, जिसको ब्लैक सीड भी बोलते हैं, नाइजेला सीड भी बोलते हैं, ये भी आपको ऐड करना है। ये दोनों तो मेरे हर ऑयल में होता है, आपको तो पता ही है। और एक और जो खास हम खास चीज़ जो मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया है मेन, इसमें मैंने करी लीव्स जब डाला तो मैंने नोटिस किया कि इससे ना सिर्फ हेयर फॉल कंट्रोल हुआ, बाल लंबे हुए, बल्कि आपके जो प्री मेच्योर ग्रेइंग है उस ध्यान मिला इससे। तो करी लीव्स के कुछ पत्ते ज़रूर ऐड करें, और ये हिबिस्कस के कुछ पेटल्स हैं। और ये लास्ट इंग्रेडिएंट है, ये हम इसमें हर्बल मिक्सचर डाल रहे हैं जिसमें ब्राह्मणी है, भृंगराज है, आंवला है, नीम पाउडर है, हिबिस्कस पाउडर है। लेकिन इसकी जगह कोई एक पाउडर आपके पास हो तो भी चलेगा। इधर आप आंवला पाउडर डाल दीजिए, भृंगराज डालिए, या ब्राह्मणी पाउडर डालिए, आपका काम चल जाएगा। तो ये हमने डाल दिया इसको भी। अब ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो इसमें है, अब इसको क्या करना है, इसको किस तरह से बनाना है वो मैं बता दूं। इसको हीट नहीं करना है, इसको आप धूप में 4-5 दिन रखिए। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे ऑयल्स इसमें चाहिए वो भी आप डाल दीजिए, इसको आप धूप में 3-4 दिन तक रखिए। उसके बाद इसको स्ट्रेन कीजिए, और उसके बाद ये ऑयल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगला जो हम नेक्स्ट ऑयल इसमें ऐड करने जा रही है, देखिए कैस्टर ऑयल है, और उसमें दूसरा ऑयल होगा जो होगा ऑलिव ऑयल। तो ये 3 ऑयल इसमें ऐड होंगे, और उसके बाद कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कीजिए, उससे इसका इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट हमारे रेडी हैं, इस तरह से दिखेगा। जब ये रेडी हो जाए उसके बाद भी आप दोनों ऑयल ऐड कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, या आप अभी भी डाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको हीट तो करना नहीं है, तो दोनों के प्रॉपर्टीज डैमेज बिल्कुल नहीं होंगे। तो चलिए इसको हम छोड़ेंगे, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी।
ये देखिए आपका वंडरफुल सा टोबैको ऑयल रेडी है। आलों को सूरत घना और लंबा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, एप्लीकेशन के लिए तैयार है। लेकिन एक छोटी सी चीज अभी भी इसमें मिसिंग है, वो है ये एसेंशियल ऑयल। ये देखिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है, जो कि 4-5 बूंदे डालने जा रही हूँ, जिसके बाद इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही बढ़ जाएगी, इसका बेनिफिट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब ये फाइनल आपका प्रोडक्ट रेडी है। इसको मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया वो मैं बता दूँ। इसको मैंने धूप में डाला एवरी डे और उसके बाद ये रेडी हो गया। इसको मैंने 3 दिन के लिए धूप में डाला, 3 दिन के लिए छोड़ा और अब ये पूरी तरह से प्रिपेयर है आपके बालों में अप्लाई होने के लिए। इसको अप्लाई सेम तरीके से करना जैसे आपने पहले वाले टोबैको ऑयल से अप्लाई किए। वीक में इसको 2 से 3 दिन अप्लाई कीजिए, 1 घंटे के लिए छोड़िए, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। इसका बेनिफिट आपको पहले ही एप्लीकेशन के बाद दिखाई देगा। ये कितने दिन तक सही सलामत रहेगा वो मैं बता दूं। इसको आप बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं रख सकते, मैं 1-2 साल तो नहीं रहेगा क्योंकि इसमें फ्रेश चीज़ें डली हुई हैं, लेकिन आराम से अगर आप इसको रेफ्रिजरेट करते हैं तो 1 मंथ तक ये चल जाएगा। तो इसको बनाइए, अप्लाई कीजिए और अपने बालों को बनाइए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो देखा आपने, आपने अपने बालों को ख़राब किया और मैंने उसको ठीक करने का तरीका बता दिया, और ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ये तो आप 1 वीक के अंदर ही देखेंगे। तो अप्लाई कीजिए इस वाले रेमेडी को, अपने बालों को 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। इधर मैं ज़्यादातर रेमेडीज मेरे 7 दिन के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन वाले होते हैं। रीज़न ये कि बहुत ज़्यादा पेशेंस किसी के पास नहीं होता, और अगर आपके बालों में चेंजेस दिखने होंगे तो 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही दिखाई देंगे, तब रेमेडी अच्छा माना जाता है कि आपको बहुत लंबा टाइम ना लगे। तो इस वजह से मैंने इधर जो भी सीरीज बनाया है, जो भी वीडियो बनाया है, उसमें मेरी कोशिश की है कि 7 दिन के अंदर ही वो जो रेमेडी है अपना रिजल्ट दिखा दे। तो होप करती हूँ कि आज वाला जो रेमेडी है 7 दिन ही 4 दिन के अंदर ही अपना जो कमाल है वो दिखा दे और आपके बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। वो भी वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।